हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी ऑर्फियस और यूरिडाइसी की है। ये स्टोरी प्राचीन यूनान में लिखी गई थी, एंशियंट ग्रीस में लिखी गई ये स्टोरी है। लेकिन ये सिर्फ एंशियंट ग्रीस में लिखी गई स्टोरी नहीं है, ये रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव ह्यूमैनिटी को, ये रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। ये वैसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है जैसे कि कोरोना का भय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये भय कि कोरोना में क्या होगा, एक अनसर्टन फियर है, वो फियर हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट बनता चला जा रहा है। और ये कॉन्शियसनेस का पार्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अभी तो दे सारे कंट्रीज में हर किसी के पास ये एक भय है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। वैसे ही ऑर्फियस और यूरोडाइसी की स्टोरी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। स्टोरी ऑर्फियस और यूरोडाइस की दो बार लिखी गई। पहली बार में हैप्पी एंडिंग है और दूसरी बार में सैड एंडिंग है। पहली बार में अच्छी एंडिंग होती है, दूसरी बार में सैड एंडिंग होती है। ये कहानी मुझे याद ऐसे आई कि मैंने फेसबुक पे रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ा जिसमें कि लिखा था कि संपूर्ण विनाश निकट है, लिखा था दुनिया खत्म होने वाली है, डूम्सडे इज नियर, कयामत के दिन करीब हैं, और इस तरीके की बातें। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा होगा मानव सभ्यता के इतिहास में, ये 70-80 हजार साल के इतिहास में, कि पहली बार मानव इस तरीके की चीज फेस कर रहा है, या उसके सामने है एक अनसर्टेन फियर, एक अनजाना भय, या पहले भी कभी हुआ होगा। और जब मैं पहले की बात करता हूं तो मैं 17वीं या 18वीं या 19वीं शताब्दी की बात नहीं करता हूं, मैं प्राचीन काल की बात करता हूं, बहुत पहले, जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बहुत बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की लोग बहुत बात करते हैं, लोग सुपर कंप्यूटर की बहुत बात करते हैं, लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत बात करते हैं। लेकिन ये सब उस जगह आके रुक जाता है जब कोरोना का भय सामने आता है। तो मैंने ये सोचा कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा मानव इतिहास में, बहुत पहले, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स नहीं होगा, कि इंसान को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा होगा जहां पे उसको एक अनजाना भय हमेशा खाए रहता होगा, जैसे कि आज हमें खाए हुए है। तो मुझे याद आई स्टोरी जो कि मैंने बहुत पहले सुनी थी, वो एक स्टोरी है यूरोडाइस और ऑर्फियस की। ऑर्फियस एक बहुत अच्छा गायक है, एक नौजवान लड़का है, एक बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, और उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है लायर। लायर बहुत अच्छा बजाता है, वो इतना अच्छा बजाता है कि जब वो उस चीज को बजाता है और गाना गाता है उसके साथ, तो पूरी प्रकृति झूमने लगती है, देवी देवता झूमने लगते हैं, लोग झूमने लगते हैं, और सब उसका बहुत आनंद उठाते हैं। और यूरिडाइस एक लड़की है जो कि बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, और वो ऑर्फियस की प्रेमिका है। तो जो पहली स्टोरी लिखी गई थी उसमें ऑर्फियस और यूरिडाइसी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं और रास्ते में यूरिडाइसी को एक सांप काट लेता है, जिससे यूरिडाइसी की मौत हो जाती है। यूरिडाइसी की जब मौत हो जाती है तो ऑर्फियस बहुत दुखी होता है, और वो इतना दुखी होता है कि वो दुख अपनी कविताओं से, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रकट करता है। और जब वो इतना दुख प्रकट करता है तो प्रकृति भी दुखी होती है, पेड़ पौधे भी दुखी होते हैं, पशु पक्षी भी दुखी होते हैं, देवता भी दुखी होते हैं, और वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ऑर्फियस कहता है कि मुझे यूरिडाइसी को वापस लाना है। तो देवी देवता उससे कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाना पड़ेगा। अब अंडरवर्ल्ड वो जगह है जहां पे आत्मा चाहती है अपने हिसाब किताब के लिए, 13 दिन तक उस जगह पे रहती है, और उसके बाद उसका हिसाब किताब जब हो जाता है तब वो स्वर्ग या नरक में भेज दी जाती है। तो अभी 13 दिन हुए नहीं है पूरे, और ऑर्फियस को परमिशन मिल जाती है जाने की। अब ऑर्फियस जाता है अंडरवर्ल्ड में, और अंडरवर्ल्ड के जो मुख्य देवी देवता है प्लूटो और परसिफोन, उनके सामने वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद उनको अपनी कविता सुनाता है, उनको अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के सुनाता है, और इतना वो प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उसको यूरिडाइसी को ले जाने देते हैं।
ऑर्फियस इरुडाइसी को लेकर के अंडरवर्ल्ड से वापस वर्ल्ड में आ जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। प्यार की और विश्वास की एक अभूतपूर्व कहानी है। ये कहानी जब हम लोग को दूसरी बार मिली तो इस कहानी में एक बदलाव था। अब ये बदलाव क्यों आया होगा ये सोचने वाली बात है। जो दूसरी बार ये कहानी लिखी गई उसमें ऑर्फियस और यूरोडाइसी की शादी हो जाती है। दोनों घर जा रहे होते हैं, यूरोडाइसी को सांप काट लेता है, वो मर जाती है और उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड पहुंच जाती है। ऑर्फियस वापस वैसे ही बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद वो बहुत दुख भरा म्यूजिक प्ले करता है, बहुत दुख भरे गीत गाता है, सब लोग दुखी हो जाते हैं और उसे अंडरवर्ल्ड जाने की परमिशन दे देते हैं। वो अंडरवर्ल्ड जाता है। वो अंडरवर्ल्ड जब जाता है तो वो जब जर्नी करता है अंडरवर्ल्ड की, तो वो बहुत हैरोइंग जर्नी होती है, बहुत ही दुख भरी जर्नी होती है, क्योंकि उस अंडरवर्ल्ड में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो वहां जाता है, बहुत दुख भरी जर्नी है वो, और वो किसी तरीके से प्लूटो और पर्सिफोन के पास पहुंचता है जो अंडरवर्ल्ड के मालिक हैं, और उनके सामने अपना गाना गाता है, उनके सामने उनको म्यूजिक बजा के दिखाता है और वो खुश होते हैं और उससे कहते हैं ठीक है तुम यूरोडाइसी को ले जा सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं दूसरी कहानी में कि एक शर्त है कि तुम आगे चलोगे, ऑर्फियस तुम आगे चलोगे, यूरोडाइसी पीछे चलेगी, और जब तक तुम दोनों धरती पे कदम नहीं रख देते हो, पूरी धरती पे नहीं पहुंच जाते हो पूरी तरीके से, तब तक पलट के नहीं देखोगे। ऑर्फियस मान लेता है और यूरोडाइसी को अपनी पत्नी को लेके वो वापस अंडरवर्ल्ड से वर्ल्ड का ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जब वो वापस जाता है तो भी उसको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। फिर वो वापस जाता है, जाते जाते जब वो उस जगह पे पहुंचता है जहां पे उसको पहला कदम धरती पे रखना होता है, जैसे ही वो धरती पे पहला कदम रखता है वो पलट के पीछे देखता है, और जब वो पलट के पीछे देखता है तो यूरोडाइसी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाई होती है और वो पलट जाता है और अपनी शर्त तोड़ देता है और यूरोडाइसी अंडरवर्ल्ड में वापस चली जाती है। और वापस जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ऑर्फियस बहुत दुखी होता है और वो हमेशा दुखी ही रहता है। उसके बाद वो हमेशा दुखी ही रहता है और इसी दुख भरी कहानी के साथ, इसी दुख भरे अंत के साथ कहानी खत्म हो जाती है। पहली कहानी सुख भरी थी, दूसरी कहानी में दुख है और दुख हमेशा के लिए रह गया। ऐसा क्या हुआ होगा बीच में कि ये कहानी में इतना बड़ा एक एंड में ट्विस्ट आ गया? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जहां पे कि अनसर्टन फियर होगा, एक अनजाना भय होगा जो लोगों के मन में आया होगा, और वो अनजाना भय दिखाने के लिए ही, उस अनजाने भय को प्रकट करने के लिए ही ये स्टोरी शायद लिखी गई होगी। आज भी हमारे दिल में आज वो अनजाना भय है, और वो अनजाना भय हमें विश्वास, हमारा विश्वास उठा रहा है, हमसे प्रेम और सौहार्द उठा रहा है, और हमें वो उठाने नहीं देना चाहिए, वरना हम फिर ऑर्फियस और यूरोडाइसी की कहानी लिखेंगे जो कि दुख भरी होगी। ये कहानी एक और चीज भी बताती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइंग बिफोर यू डाई। हर माइथोलॉजी में, हर सिविलाइजेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, डाइंग बिफोर यू डाई, मरने से पहले मरने का अनुभव। अगर मरने से पहले मरने का अनुभव हो जाता है तो आदमी का जीवन बहुत हद तक सफल माना जाता है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो गुरजीफ हो, चाहे वो मिलेरेपा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मरने से पहले मरने का अनुभव किया। तो इस कोरोना के दौर में पहली चीज हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, अपने परिवार पे, और हमें प्रेम होना चाहिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से, और ये जो जिंदगी हमें मिली है इससे। अगर हमें ये प्रेम, ये विश्वास नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे।
इस कोरोना में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमें शायद पीछे छोड़ देनी पड़े, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। वो चलेगी तब जिंदगी जब हम ऑर्फियस बनेंगे, वो ऑर्फियस जिसके पास ट्रस्ट है, जिसके पास लव है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट नेचर, ट्रस्ट वॉट एवर यू ट्रस्ट। सेकेंड, लव योर पीपल, लव योर नेबर्स, लव योर सोसाइटी, और एक सौहार्द बना के रखिए, और हम लोग इससे भी पार हो जाएंगे और हम कभी पीछे पलट के नहीं देखेंगे जैसे हमने आज तक नहीं देखा। इसी ट्रस्ट और इसी विश्वास पे एक और स्टोरी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगा। अगर आपको कोई सवाल है या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।